दोस्तों, हमारे देश में मंदिरों की संख्या तो अनगिनत है और देश ही नहीं दुनिया भर में आपको हिंदू मंदिर देखने को मिल जाएंगे। इनमें से कई मंदिर बहुत पुराने होने के साथ साथ बहुत प्रसिद्ध भी हैं। इन मंदिरों में रोजाना हजारों श्रद्धालुओं का आना जाना लगा रहता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे हिंदू मंदिर में भी कई ऐसे मंदिर हैं जहां पर गैर हिंदू का आना मना है, जैसे कि ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर या काशी का विश्वनाथ मंदिर। अब ये तो हमने हिंदू मंदिरों की बात कर ली, और ये तो आपको पता ही होगा कि मुस्लिमों के सबसे बड़े पवित्र तीर्थ स्थल मक्का मदीना पर भी कोई भी गैर मुस्लिम अपने कदम नहीं रख सकता। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इस्लाम धर्म से कोई ताल्लुकात नहीं रखते हैं तो आपका यहाँ जाना मना है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर कोई गैर मुस्लिम इस पाक जगह पर अपने कदम रखता है तो मक्का मदीना की पवित्रता खंडित हो जाएगी। इसीलिए यहाँ की यात्रा करने वाले रास्ते पर साफ शब्दों में लिखा होता है कि मक्का ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं। हाँ, वो बात अलग है कि दर्शन करने के बाद उसकी वहीं पर समाधि बना दी गई। दोस्तों, मुसलमानों की इस धार्मिक जगह पर कोई भी गैर मुस्लिम नहीं जा सकता। लेकिन ये बात तो आपको पता ही होगी कि अगर आप देश या दुनिया की किसी भी मस्जिद में जाना चाहते हैं तो उसके लिए किसी भी धर्म के लोगों के लिए कोई भी मनाही नहीं है। यानी कि किसी भी धर्म का व्यक्ति बेफिक्र होकर मस्जिद में प्रवेश कर सकता है। तो दोस्तों, बहुत से लोगों के मन में अब ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों है कि गैर मुस्लिम मस्जिद में तो जा सकता है लेकिन मक्का मदीना में नहीं। तो आइए जानते हैं कि आखिर वो कौन सी बातें हैं जो मक्का मदीना को बनाती है इतना खास, और आखिर क्यों चाहकर भी कोई भी गैर मुस्लिम वहां प्रवेश नहीं कर सकता, और जानेंगे कि वो कौन है जो हिंदू होकर भी मक्का मदीना में घुस गया। दोस्तों, मक्का मदीना जाने का ख्वाब हर मुसलमान का होता है। हर मुस्लिम अपने पूरे जीवन काल में कम से कम एक बार यहाँ जरूर जाना चाहता है। ऐसा माना जाता है कि एक मुस्लिम अगर यहाँ पहुँच जाए तो मानो उसको जन्नत का एहसास होता है। सऊदी अरब के ऐतिहासिक एजाज क्षेत्र में मक्का शहर स्थित है। मक्का इस्लाम धर्म का सबसे पवित्रतम स्थल है, जहाँ पर काबा, तीर्थ और सबसे बड़ा प्रसिद्ध मस्जिद मस्जिद अल हरम स्थित है। यहाँ की जनसंख्या 2020 की जनगणना के आधार पर लगभग 20 लाख से अधिक थी, लेकिन हर साल इससे 3 गुना ज्यादा तीर्थ यात्री यहाँ यात्रा के लिए पहुँचते हैं। स्थान को महान पैगम्बर मोहम्मद का जन्म स्थल माना जाता है। ये भी माना जाता है कि यही वो स्थान है जहां पहली बार मोहम्मद द्वारा कुरान की क्रांति की शुरुआत हुई। दोस्तों, अगर आप मुस्लिम नहीं हैं तो आपने किसी मूवी या फिर फोटो में देखा होगा कि मक्का में पत्थरों से बना हुआ एक विशाल मस्जिद है जिसके बीचों बीच एक काली इमारत है। आपको बता दें कि इसे काबा कहा जाता है। काबा ग्रेफाइट पत्थर की बनी हुई 40 फीट लंबी और 33 फीट चौड़ी इमारत है। इसमें कोई भी खिड़की नहीं है पर एक दरवाजा है। जो लोग हज के लिए जाते हैं वो तवाफ नाम की रस्म के अनुसार काबा की 7 परिक्रमाएं करते हैं। आपको बता दें कि काबा एक पवित्र क्यूब आकार की इमारत है, और ऐसा माना जाता है कि वो 1400 साल से भी पुरानी है। पूरी दुनिया के सभी मुसलमान, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, नमाज पढ़ते समय काबा की ओर मुख करके ही नमाज पढ़ते हैं। दोस्तों, हर मुसलमान व्यक्ति को दिन में 5 बार काबा की ओर मुख करके पूजा करना यानी कि नमाज पढ़ना अनिवार्य है, और साथ ही पैगंबर मोहम्मद की बातों के अनुसार लोगों को अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए जीवन में कम से कम एक बार मक्का मदीना जाना जरूरी होता है। दुनिया के कोने कोने से मुस्लिम लोग पैदल, ऊंट पर चढ़कर या जहाजों से यहाँ पहुँचते हैं। मक्का में पैगंबर मोहम्मद के पैरों के निशान भी बहुत सलामती से रखे हुए हैं, जो तीर्थ यात्रियों के दर्शनार्थ के लिए हैं। इसके दर्शन पाने के बाद हज तीर्थ यात्री खुद को धन्य मानते हैं। इसके अलावा कहा जाता है कि हज की यात्रा करने के बाद अगर किसी मुसलमान की किसी भी कारणवश यहाँ मृत्यु हो जाए तो उसकी वहीं पर समाधि बना दी जाती है। दोस्तों, इंटरनेट पर मिली जानकारी और हमारे कुछ मुस्लिम दोस्तों के साथ बातचीत करने के बाद हमें पता चला है कि अगर कोई मुसलमान यहाँ मर जाता है तो उसके परिवार वालों को बहुत खुशी होती है, क्योंकि उनका मानना है कि खुदा ने खुद एक पाक मुसलमान को अपने आगोश में ले लिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मक्का की हज यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है,
क्योंकि मक्का को इस्लाम धर्म का पांचवा स्तंभ माना जाता है और कहते हैं कि काबा यानी कि जो ये काली इमारत है यहीं से धरती की शुरुआत होती है। हालांकि ये बात कितनी सच है और कितनी झूठ ये तो हमें नहीं पता, लेकिन कुछ मुसलमान कहते हैं कि इस बात का प्रमाण कुरान के अंदर दिया गया है। अगर आपने कुरान पढ़ी है तो नीचे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या ये सच है। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ ऐसे सवालों पर जो गैर मुस्लिम लोगों के मन में अधिकतर आया करते हैं। आखिर क्या होगा अगर कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति मक्का मदीना जाएगा? दोस्तों हम बता दें कि वहां पहुंचने के बाद आपके साथ क्या होगा वो तो हम नहीं जानते, और जानकारी के अनुसार दूसरे धर्म के व्यक्ति के दर्शन करने से पहले ही उसे पकड़ लिया जाएगा यानी कि धर दबोच लिया जाएगा। अब वो कैसे, चलिए आपको आसान शब्दों में बताते हैं। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि किसी भी देश में जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता होती है। हम आपको बता दें कि जब आप सऊदी देश का वीजा अप्लाई करेंगे तो आपसे सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि वहां आप किस काम से जा रहे हैं, और आपसे वहां जाने का कारण भी पूछा जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आप झूठ बोल देंगे तो आपको बता दें कि आपके द्वारा बोले गए झूठ को क्रॉस वेरीफाई के जरिए पता लगा लिया जाएगा, यानी कि आपका वीजा लगने से पहले ही उन बातों को उस देश में पूछा जाता है। और अगर ये बोलकर जाते हैं कि मैं एक हिंदू हूँ और मक्का जाने की इच्छा रखता हूँ, तो भाइयों आपका वीजा तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, क्योंकि सऊदी देश के कानून में भी ये बात लिखी गई है कि कोई भी गैर मुस्लिम मक्का मदीना में नहीं जा सकता। इसके अलावा दोस्तों हम आपको ये भी बता दें कि मान लीजिए कि अगर आप सऊदी देश किसी दूसरे काम से चले जाते हैं और उसके बाद मक्का जाने का विचार करते हैं तो भी आप वहां के दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि मक्का मदीना में प्रवेश करने से पहले ही आपके पासपोर्ट और वीजा को देखा जा सकता है। पासपोर्ट देखते ही आप पकड़े जाएंगे, क्योंकि उसमें कौन से धर्म के व्यक्ति हैं ये साफ साफ लिखा होता है। और हाँ दोस्तों, अगर कोई मुसलमान भी वहाँ जाता है तो उसके पासपोर्ट को भी देखा जाता है। आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि कई लोग नकली पासपोर्ट लेकर भी वहाँ जाने का प्रयास कर चुके हैं, लेकिन उनकी ये कोशिश भी नाकामयाब साबित हुई, क्योंकि दर्शन करने से पहले भी आपको वहां के अथॉरिटी द्वारा परमिट दिया जाता है। इस परमिट को लेने के लिए इस्लाम धर्म के कई प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका सही जवाब देने के बाद ही यहां का परमिट दिया जाता है। तो अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है। लेकिन अब आपको बताते हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो हिंदू होने के बावजूद भी मक्का के दर्शन कर चुका है। दरअसल दोस्तों भारत के केरल का रहने वाला रमेश एक हिंदू था जिसने मक्का मदीना में दर्शन किए। अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे, तो आपको बता दें कि रमेश था तो भारत का, लेकिन वो सऊदी में काम करता था। वहां उसके कमरे में उसका एक मित्र था सिद्दकी। दोस्तों उसके दोस्त ने रमेश को इस्लाम धर्म के बारे में बताया। अपने दोस्त की बातों को सुनकर रमेश भी उसकी बातों को पसंद करने लगा, और फिर कुछ दिनों के बाद उसने नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि कुछ मुसलमान ऐसे भी होते हैं जो दिन की एक भी नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन रमेश दिन की पांचों नमाज को पढ़ने लगा। दोस्तों जब रमेश भारत लौटा तो उसने अपने परिवार वालों से बोला कि मैं इस्लाम धर्म को अपनाना चाहता हूँ। उसके इस फैसले से उसके परिवार वाले काफी नाराज थे, लेकिन दोस्तों कहते हैं ना कि अगर आप कुछ करने की ठान लें तो फिर कोई भी आपको रोक नहीं सकता। ठीक ऐसे ही रमेश ने अपने परिवार के लोगों के सामने ही इस्लाम धर्म को अपना लिया, और उसने सबके सामने ये बात कबूल करी कि इस्लाम धर्म दुनिया का सबसे अच्छा धर्म है। इस धर्म के लोग सबकी इज्जत करते हैं। इसके बाद उसने अपने हर सरकारी दस्तावेज में अपना नाम बदल कर मुजम्मिल रखवा लिया। दोस्तों इस्लाम धर्म में रमेश बहुत लगाव रखने लगा था, इसीलिए उसके मन में अब एक बात आई कि क्यों ना वो मक्का मदीना के दर्शन करके आए। अब इस फैसले के बाद वो मक्का मदीना चला गया, क्योंकि उसने सभी दस्तावेज सही करवा लिए थे, तो इसीलिए उसे वहां जाने की अनुमति और परमिट भी मिल गई। दोस्तों शायद आप यकीन ना करें, लेकिन रमेश उर्फ मुजम्मिल मक्का मदीना सही सलामत पहुंच गया। काबा की परिक्रमा करने के बाद और सारी जरूरी रस्मों को पूरा करने के बाद उसने खुदा से ख्वाहिश करी कि ऐ खुदा, अब तो तू मुझे अपने पास ही बुला ले, क्योंकि मुझे तुझसे बहुत लगाव हो गया है।
अब दोस्तों, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि वहां जाकर अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो इस्लाम धर्म के अनुसार वो बहुत खुशनसीब होता है। अब रमेश ने तो बहुत परिश्रम करके इस्लाम धर्म को अपनाया था, शायद इसीलिए उसकी मनोकामना पूरी हो गई, जिसके बाद उसके घर वालों को सूचना देने के बाद रमेश की वहीं पर समाधि बना दी गई। तो दोस्तों, आपके इस घटना के ऊपर क्या विचार हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर से बताएं। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। महादेव शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। आगे भी ऐसे वीडियोस लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को भी दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।